आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है, देश के लोगों के लिए खपा दिया है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर, मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी, क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं, वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, उनको उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे, क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा, कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको
दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने सदस्य प्लीज। नहीं नहीं, ये तरीका उचित नहीं है आपका, कोई तरीका उचित नहीं है। नो, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, मैं आपको बता देता हूं। नो, तरीका गलत है। बैठिए बैठिए, क्या सदन है, संसद है, बैठकर टिप्पणी करते हैं। सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो, मर्यादा रखा करो चीजों की। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है। समाज के वंचित वर्ग को वरीयता, उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं, उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। दशकों तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था, वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो संविधान निर्माताओं ने निर्दिष्ट किया था। 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी की बस्तियों में पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार बिजली पहुंची है। मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था, पहली बार नल से जल पहुंच रहा है, इन परिवारों में पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक परिवार, कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं, वहां रह पाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी, आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी, आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इतना ही नहीं 4G कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरा देश गौरव कर रहा है, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं, पूरा देश गौरवगान कर रहा है। आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए, आजादी के जंग का नेतृत्व किया, उनका पुण्य समा आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमें गर्व है कि ऐसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है, राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है।
हमें उनका हक दिया है। आदरणीय जी आदरणीय अध्यक्ष जी, हम पहली बार देख रहे हैं। एक बात ये भी सही है, हम सबका समान अनुभव है, सिर्फ मेरा ही ऐसा है ऐसा नहीं, आपका भी है। हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है, और तभी जाकर के देश सशक्त होता है। और मुझे संतोष है कि माताएं बहनों बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है।